ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर मुस्लिम पक्ष द्वारा रोक लगाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद मथुरा वृंदावन में साधु संत मिठाई बांट करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। पूरे मामले पर बोलते हुए प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन परंपरा को मानने वाले 100 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं और राम कृष्ण शिव उनके प्राण हैं, लेकिन बार बार उनकी भावनाओं पर आघात पहुंचाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 पर देवकी नंदन ने कहा कि जो राम के साथ है उनके साथ पूरा सनातनी धर्म है, इसलिए जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। ये न तो मैं बर्दाश्त करूंगा और न कोई सच्चा सनातनी बर्दाश्त करेगा। भाईचारा चाहते हैं तो पहले जामा मस्जिद की सीढ़ियों की, मस्जिद की बात ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ सीढ़ियों की बात है, सीढ़ियों की जांच कराइए। अगर वहाँ छवि है तो हमें दे दीजिए, नहीं है तो जो नुकसान होगा वो हम भरेंगे। क्या कि ये भाईचारा ये है, इसको निभाइए। अगर ऐसा वो नहीं करते, जो वो करेंगे ही नहीं, तो हम कोर्ट से प्रार्थना करते हैं जैसे ज्ञानवापी की जाँच हुई है, चेकिंग हुई है, वही सेम डुक टुक जाँच जामा मस्जिद की सीढ़ियों की और द्वार तक होनी चाहिए और इससे पता चल सके कि वहाँ भगवान की छवि है या नहीं है। अगर है तो हम 100 करोड़ हिंदुओं की भावना का ध्यान रखते हुए वो छवि हमको दी जाए। ये चल